बैतूल जिले की सभी तहसील शाहपुर, मुलताई, भैंसदेही, आमला, आठनेर, चिचोली, घोड़ा डोंगरी, भीमपुर, प्रभातपट्टनम भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अस्पताल में दुर्लभ प्रजाति की छिपकली मिली है। सांप जैसे फुफकार निकालने वाली यह छिपकली देखने में सुंदर है। सर्प मित्र ने रेस्क्यू कर छिपकली को जंगल में छोड़ दिया। बैतूल के सारनी में सोमवार को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अस्पताल में दुर्लभ छिपकली दिखाई दी, जिससे कि अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा सर्प मित्र आदिल खान को इसकी सूचना दी गई। आदिल खान ने मौके पर पहुंचकर इस दुर्लभ छिपकली का रेस्क्यू किया। सारनी के सर्प मित्र आदिल खान का कहना है कि उन्हें सारनी के मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अस्पताल से कर्मचारियों का फोन आया था। फोन पर सांप के फुफकारने की सूचना दी गई थी। जब आदिल वहां रेस्क्यू करने पहुंचे तो पाया गया कि एक दुर्लभ छिपकली अस्पताल परिसर में बैठी तेज आवाज निकाल रही है, जिसको सतपुड़ा लियोपर्ड गेको के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सूझबूझ से छिपकली का सुरक्षित रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि यह छिपकली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है। पूरी दुनिया में यह सिर्फ मध्य भारत के जंगलों में ही पाई जाती है। यह रात के समय एक्टिव होती है और कीड़े मकोड़े इसका मुख्य भोजन है। देखने में यह छिपकली बेहद आकर्षक होती है। खतरा महसूस होने पर यह छिपकली तेजी से भाग जाती है या तेज आवाज़ निकालती है। यह छिपकली लगभग 20 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। यह छिपकली विषहीन होती है और इंसानों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती। इन्हें विशेष संरक्षण देने की भी आवश्यकता है। टीम भारती न्यूज़। मुझे सारनी के MPPGCL हॉस्पिटल से एक रेस्क्यू कॉल आया था। कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि एक सांप फुसकार रहा है हॉस्पिटल में बैठ करके, जिसके बाद मैं मौके पर पहुंचा और जिस रूम पे सांप के फुसकारने की आवाज़ आ रही थी वहां गया। जब मैंने सामान हटाया तो देखा कि सतपुड़ा लियोपर्ड गेको नाम की एक छिपकली है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ मध्य भारत के जंगलों में पाई जाती है, वो अस्पताल में मौजूद थी और खतरा महसूस होने पर वो बहुत जमजम के चिल्ला रही थी, जिसके बाद मैंने उसका सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। Subscribe now to most exciting channel ever.